अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम सतरंगी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आमना आदिल। नाज़रीन, लॉकडाउन की वजह से घरों में रहने वाली ख़वातीन ने कुछ तो करना है। अब इस वबा का खौफ कम करने और मुश्किल वक्त को आसान बनाने में फिल्म और ड्रामे एक अहम सहारा बन गए हैं। कहानियों और किरदारों की दुनिया में खोकर दिन को रात करना नस्बतन आसान लगने लगा है। जहाँ नेटफ्लिक्स दुनिया भर में पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रीम हुआ है, वहीं उर्दू जुबान के ड्रामे भी याददाश्त और इंटरनेट के सहारे दोबारा जिंदा किए जा रहे हैं और इनके साथ ही पीटीवी की जानदार रिवायत नई नस्ल को मुंतकिल हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान टेलीविजन ने एक काविश का आगाज किया है। पीटीवी ने लॉकडाउन को पेश नजर रखते हुए एक वक्त मुकर्रर किया है जिस वक्त पर पुराने ड्रामे नशर किए जा रहे हैं। पीटीवी की डिजिटल आर्काइव की फ्लैशबैक में जाए तो चंद ऐसे ड्रामों के नाम फौरन जहन में गर्दिश करेंगे जिनकी कहानियाँ हर दौर में नई लगती है। ऐसे ही चंद शोहरे आफाक ड्रामों का तस्करा करते हैं। तुम्हें पता है कि अम्मी को ये सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। How dare you? अगर आपने आइंदा फोन किया तो अच्छा नहीं होगा। अबे लाख बार कहा तुम लोगों से के ऐसे लंडों को ऐसे काम पर न लगाया करो। रोना तो इस जान का है, जिस दिन ये जान चली गई ना मैं तुमसे बड़ी बदरू बन जाऊंगा। वारिस, पीटीवी की विरासत में वारिस को नुमाया तरीन ड्रामा करार दिया जाता है। इसमें चौधरी हशमत का किरदार हमेशा याद रह जाने वाला किरदार है। ड्रामे की खास बात सनसनी और रोमानियत का इम्तिजाज है। ड्रामा वारिस की कहानी इस खत्ते में हाकिम और महकूम के रिश्ते की ऐसी कहानी जो 40 साल गुजरने पर भी पुरानी नहीं है। ओए, क्या नाम है तेरा? ये दिलावर है अब्बा जी। क्या रखा है? ओए, इधर आ, पानी पिला मुझे। याद रहे, इस ड्रामे में 70 साल चौधरी हशमत का किरदार अदा करने वाले महबूब आलम खुद उस वक्त सिर्फ 35 बरस के थे। इस ड्रामे को अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा था और गजनफर अली और नुसरत ठाकुर ने इसको डायरेक्ट किया था। पता नहीं शहर में आकर लोगों को हो क्या जाता है। अनकही एक ऐसा ड्रामा जिसे खुद साख्ता मुस्कुराहट कहा जाए तो बेजान ना होगा। हसीना मुइन की कहानियाँ ऐसी होती है कि जैसे हमारी अपनी कहानियाँ हो। इसमें टिम्मी का मशहूर किरदार था जो जमशेद अंसारी ने अदा किया था। शहनाज शेख ने इस ड्रामे में ऐसा किरदार अदा किया जिसको बाद में बॉलीवुड की फिल्मों में भी कॉपी किया गया। What? खबरदार खबरदार जो इस पर बुरी नजर डाली होगी, अरे कयामत आ जाएगी कयामत। इसके अलावा बहरोज सब्जवारी और सलीम नासे भी इस ड्रामे का हिस्सा है। इस ड्रामे में एक हीरो जावेद शेख थे जबकि दूसरे हीरो शकील थे। लिखारी और डायरेक्टर ने ऐसे मजेदार किरदार बनाए कि वो आज भी आपको याद रहते हैं। तन्हाइयां, अगर आपने ड्रामा तन्हाइयां नहीं देखा तो समझिए कुछ नहीं देखा। मरीना खान और शहनाज शेख के किरदार भूलने वाले नहीं हैं। लड़कियों को बनने संवरने का तो इतना शौक होता है, तुम्हें क्यों नहीं है? ऐसी फजूल में। और किबादशाह का किरदार इस ड्रामे की जान है। ये शहनाज शेख का दूसरा ड्रामा था और इसके बाद उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन इनको याद रखने के लिए अनकही और तन्हाइयां ये दो ड्रामे ही काफी है। इस ड्रामे में बदर खलील और आसिफ रजा मीर ने कमाल का काम किया। अम्मी का खानदान शर्तिया मीर था, फायदा क्या जब आपस में प्यार ही नहीं था। सुनहरे दिन, मजाक से भरपूर नौजवानों की कहानी अगर आपने देखनी है तो ये ड्रामा बेहतरीन है। नानू, ये बड़ा क्या सवाल हुआ? आगे बेटा, जाहिर है आगे हूँ तभी आपके सामने हूँ। ISPR की प्रोडक्शन में बना ये ड्रामा सुनहरे दिन इदारे की पहली बाकायदा प्रोडक्शन थी। सलीम शेख ने इस ड्रामे से अदाकारी का आगाज किया था। इस ड्रामे को शुएब मंसूर ने डायरेक्ट किया था। ISPR ने इसके बाद अल्फा ब्रेवो चार्ली और अहदे वफा भी बनाए, लेकिन अगर आपने सही मानों में इन दोनों ड्रामों का मजा लेना है तो आपको सुनहरे दिन जरूर देखना चाहिए। फराज इनाम इन तीनों ड्रामों का हिस्सा रहे हैं। धुआं, अगर आपने एक्शन और थ्रिल देखना है तो धुआं देखा जा सकता है। नब्बे की दहाई में पीटीवी पर नशर किया जाने वाला वो ड्रामा है जिसको इस जमाने में हर किसी ने देखा होगा। इस ड्रामे की हर किस्म में एक नई कहानी है। आशिर अजीम ने इस ड्रामे को लिखा और उन्होंने ही इस ड्रामे में किरदार भी अदा किया। बुलबुल ड्रामे से पहले अगर नबील का कोई मशहूर किरदार था तो वो यही था। मुझे यहाँ आए हुए एक साल हो गया है और किसी लड़की का फोन नहीं आया, और जनाब को आए हुए भी चार दिन हुए लड़कियों का फोन आ रहा है। गुड लुकिंग, मैं सुनूंगा, मैं भी सुनूंगा। ड्रामे में नुसरत फतेह अली खान का गाना किसे दा यार ना विसरे
इस ड्रामे के बाद ज्यादा मशहूर हो गया था। खुदा की बस्ती, पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे बने हैं, लेकिन वो ड्रामे जो आजकल देखे जा सकते हैं, इनमें खुदा की बस्ती एक ऐसा ड्रामा है जो जरूर देखना चाहिए। इस ड्रामे को 2 बार रिकॉर्ड किया गया। एक बार इस ड्रामे की टेप्स जाया हो गई थी जब जुल्फकार अली भुट्टो इक्तदार में आए, तो एक बार फिर इस ड्रामे को रिकॉर्ड किया गया। खुदा की बस्ती का मरकजी किरदार नौशा का है। ये ड्रामा शौकत सदीकी के नॉवल पर बना हुआ है। नॉवल बहुत ही मकबूल हुआ है। आज तो मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन आइंदा नहीं बख्शूंगा, सीधा काल कोठरी को रास्ता दिखाऊंगा। लश्कारा और इनकार। अगर नए ड्रामों की बात की जाए तो कुछ ऐसे ड्रामे बने जिनमें मुआशी मिसाल को उजागर किया गया। इनमें जफर मिराज के लिखे हुए 2 ड्रामे लश्कारा और इनकार है। ये दोनों ड्रामे एक साथ देखे जाएं तो इन मिसाइल को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझा जा सकता है। लश्कारा ड्रामा तेजाब से जलने वालों की कहानी है कि इन पर क्या गुजरती है। इस ड्रामे में मरकजी किरदार उसना शाह ने अदा किया, जो कि बबली का किरदार निभा रही है। इनकार ड्रामे में यमुना जैदी ने हाजरा का किरदार अदा किया, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह इनकार पर उसके साथ जो सलूक होता है वो कैसे उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। I hate you. तरसी जाती है सिला, जिनसी तशद्दुद सिर्फ घर से बाहर नहीं होता बल्कि घर के अंदर रहने वाले भी बाज़ुकात ऐसा करते नजर आते हैं। काशिफ इंसार का डायरेक्ट किया हुआ ये ड्रामा डरसी जाती है सिला में इसको दिखाया गया है। फिल्म में देखा जाए तो रेप करने वाले की एक खास स्टीरियोटाइप से कॉन्सेप्ट पर अकासी की जाती है। इस कॉन्सेप्ट में उसकी बड़ी बड़ी मूछें दिखाई हैं, लेकिन असल मुआशरे में ऐसा नहीं होता और जिनसी तशद्दुद करने वाले को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे अफराद हमारे इर्द गिर्द के ही होते हैं, वो आम इंसान होते हैं। क्या कर रहे हो तुम? डर गई थी नींद में, दम कर रहा था उसे। यकीन का सफर। सजल अली और राहत रजा को अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो नए ड्रामों में यकीन का सफर देखना चाहिए। आप जहांगीर शाह को सजा जरूर दिलाना। सजल अली और राहत रजा मीर के इस ड्रामे में शुरू में तो कुछ संजीदा था, लेकिन अगर आपको रोमांस देखना है तो ये ड्रामा बेहतरीन है। उम्मीद करती हूँ पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों की ये लिस्ट लॉकडाउन के दौरान घर में रहने वाली ख्वातीन बल्कि पूरी फैमिली के लिए कारामद साबित होगी। अभी तक के लिए अपनी मेजबान आमना आदिल को इजाजत दें और देखते रहें एक्स रिपोर्टर। खुदा हाफिज़।